गाइस बहुत प्यारी धूप है यहाँ पे और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने सन की फोटो लिया, झूले पे फोटो लिया। अब लीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ बस हम ऐसे ही बैठ कर चिल कर रहे थे और यहाँ बहुत अच्छी फोटोज आती है, पीछे व्यू बहुत अच्छा है, तो बस रैंडमली रील बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, बस चिल कर रहे हैं। मतलब आज ज़्यादा घूमा नहीं हमने, बस थोड़ा सा घूम कर वापस आ गए होटल में और यहाँ बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टरऑल दिस इज़ वॉट वेकेशन इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ चाय वाय हम लोग पिए यहाँ पर बैठ कर, ये देखो आप चाय पिए और यहाँ सामने चिप्स विप्स खाए, थोड़ा सा ब्राउनी वगैरह खाए और बस आराम कर रहे हैं। आज अभी शाम में ले मार्केट निकलेंगे और देखते हैं कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है, बिरयानी वगैरह आज खाएंगे और फिर आगे सो जाएंगे। कल खादुंगला का प्लान है तो कल आपको खादुंगला का प्यारा वाला व्यू दिखाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम निकल चुके हैं आज अपने खादुंगला के ट्रिप पे। आज हमने इनोवा बुक किया और इनोवा से हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग तीनों हैं, गांधी जी के तीन मंदिर। कुछ बोलिए आप लोग। अभी हमारा मन नहीं बोलने का। और हम निकल चुके हैं अपने घर से और आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे और खादुंगला भी दिखाएंगे। एक्साइटेड। गाइस, तो यहाँ खादुंगला के रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ एक्चुअली बोर्ड लगा है कि नो व्हीकल्स विदाउट एंटी स्किड चेन्स इज अलाउड। और आप ये देखो, बिल्कुल नीचे में चारों तरफ स्नो, यहाँ पीछे स्नो, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू है। क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा आपको? अच्छा। ये दो लोग तो कुछ बोल ही नहीं थे रास्ते में, इतना इन्हें इतना डर लग रहा था, बट बहुत सुंदर व्यू है। डेंजरस तो है बट बहुत सुंदर है। ये देखो आप, जहाँ देखो चारों तरफ से स्नो है। मतलब जिन पहाड़ों को हम होटल के खिड़की से देख रहे थे, आज उनके बगल में खड़े हैं। बिल्कुल ये देखो आप, पूरा स्नो है। गाइस, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं खादुंगला पास पर, हाईएस्ट मोटरेबल रोड था पहले, अब नहीं है। अब शायद दुमलिंगला पास सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया। बट लुक एट द व्यू मैन, क्या सुंदर है। नीचे आइस फॉर्मेशन हो रखी है ब्लैक आइस की और ये है खादुंगला पास। ये देखो पीछे कुछ ढाबे हैं खाने वाने के लिए और इधर का व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ। माइटी खादुंगला, यही वो मेन स्पॉट है जहाँ पर लोग आकर फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। बट यहाँ कुछ अभी पेंटिंग ही काम चल रही है। बहुत सुंदर द माइटी खादुंगला। चलते हैं थोड़ी अंदर, नीचे पूरी बर्फ है और अंदर जाकर नहीं, ठीक है भाई। ये देख क्या,
आप देख सकते हो पहुंच चुके हैं खारदुंगला। और रियली मैं बताऊंगा, पहली बार ले आने के बाद मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बॉडी धीरे धीरे एक्लोमेटाइज हो रही है यहाँ के लिए, क्योंकि जब उतरा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ब्रीदिंग की। अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और यहाँ के जो व्यूज़ हैं, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। बहुत सुंदर है, पीछे पूरी खाई है यहाँ पर, और यहाँ बिल्कुल एज पर आकर हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा रहे हैं। बट बहुत सुंदर है उधर दिखो। बहुत टाइम से हम यहाँ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है खारदुंगला पास के पास, तो इस व्यू पॉइंट मतलब बहुत आगे तक निकला हुआ, मतलब स्नो में जो माउंटेन्स हैं उसमें बहुत आगे तक निकला हुआ, ताकि आप एकदम एज पर आकर फोटो ले सको, वीडियोस ले सको। और आप देखो ये व्यू पॉइंट कितनी आगे तक जा रहा है, आगे देखना, बस बस बस। और ये सबसे लास्ट एंड है जहाँ से आके आप फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा। मतलब मैक्सिमम यहाँ दो ही व्यूज है, एक वहाँ जहाँ पहले रील्स और वगैरह वीडियोस वगैरह बनाए थे, और ये सबसे एंड पॉइंट है जहाँ से हम वीडियो बना सकते हैं। तो खारदुंगला में मेनली यही दो पॉइंट्स हैं जहाँ आप आकर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। गाइस अब मैं व्यू दिखा देती हूँ, वरना ये दिखाने नहीं दे रहा। ये देखो, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हम लोग, वरना लाश जाएगी घर। ये देखो कुत्ता है, ये मेरा भाई है, ठीक है, कुत्ता है मेरा भाई। ये मेरा पति है, और हम यहाँ पारी कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा एंजॉय करने के चक्कर में ना रहे, निकल जाएं यहाँ से। क्या बोलती हो? अब हमें निकलना चाहिए, हम यहाँ पे जाके भी एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए, राधे लग रहा है, बहुत ठंड है, हम तोतले हो गए। वो आज तोतली नहीं हुई है, वो बहुत पहले से एक्लिमेटाइज हो रही है। ओके गाइस बाय, अब हम आपको रोड तो दिखा ही चुके हैं, सब दिखा दिया आपके, आप चलो रूम पे जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, वहाँ के पैसे बस पैसे वसूल कर लें। हमारे साथ ना एक सरदार जी भी आए, वो कहते हमें फ़ोटो में विश्वास नहीं था, लद्दाख क्यों आया भाई, क्योंकि हमने मुँह पे कुछ नहीं बोला। तो गाड़ी में जाके बैठ चुका था, हमें थोड़ी ख़राब लग रही है, हम फोटो ले रहे ले रहे ले रहे, वो हमें देख रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं। ओके बाय, और अब हम जा रहे हैं खारदुंगला वाले बोट के साथ फोटो लेने, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाइस, यहाँ का व्यू, बर्फ, हम अगर मिस कर देते ना तो फिर हमारी लद्दाख ट्रिप अधूरी रह जाती, बिल्कुल अधूरी रह जाती। ऑल थैंक्स एंड पैसा गोज़ टू छोटू भैया, उन्होंने हमारा ये अब नेक्स्ट ट्रिप ना हम कश्मीर टिकाई रोड से लद्दाख का सफर पूरा करवाया है, हम नेक्स्ट ट्रिप ना श्रीनगर कश्मीर की कर रहे हैं, देखते वहाँ पे हमारे लिए पैसे बचा बचा के वो एक ही कपड़े लेके आए लद्दाख कि हम लोग अच्छे से घूम सके, उनके पास एक ही जैकेट है पूरे लद्दाख में उनके पास एक ही जैकेट है जो आप देख सकते हैं, वो भी वो नहीं पहन रहे हो अपना, उन्होंने जो जैकेट है ना वो इसकी उन्हें हो गई तो उन्होंने पहन लिया, ये बात तो आप लोगों को नहीं बताएंगे तो हमने बता दिया। ऑलराइट गाइस, सो या डन विद खारदुंगला पास, और फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, मन भर के फोटोज लिए, वीडियोज लिए, जितना था सब कुछ कर लिया, ताकि अफसोस ना रहे कि कुछ रह गया। तो हमारी गड्डी वहाँ लगी है, ये तो उसमें बैठ जाएंगे और आराम से नीचे होटल में चले जाएंगे। बट बहुत ही एडवेंचरस राइड रहा है यहाँ का, ये
वो मांग रहे अपने होटल। और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छी धूप है। और ये मेरे सॉक्स देखिए कितने सुंदर हैं, ये आपने देखा। और ये मेरा न्यू ड्रेस है, ये मेरी बहन ने मेरे लिए मंगवाया था, गोल्डू दिया ना भाई। ये ड्रेस मेरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी सी है। और यहाँ पे बहुत ठंड है इसलिए हम आज धूप में घूम रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने 5 दिन से कंघी नहीं किया, इसने भी नहीं किया क्योंकि हमारी कंघी छूट गई है, इसने भी नहीं किया क्योंकि हम लोगों की कंघी छूट गई। और यहाँ पे ना कंघी बहुत महंगी थी, 500-600 रुपये ही दे रही थी, तो हमने नहीं खरीदा, हम तुझे बिना बाल झाड़ी काम चला लेंगे, तो हमने कंघी नहीं खरीदी। अभी हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे चिल कर रहे हैं, फिर देखते हैं। अभी ना मेरी मम्मी ने मुझे मतलब मेरे भाई को 2000 रुपये भेजे हैं, तो हम तो हम खाने के लिए जाएंगे। अभी देखते हैं क्या क्या खाएंगे, 2000 रुपये में क्या क्या आएंगे। और फिर सासू माँ को फ़ोन करेंगे, उनसे भी कुछ पैसे मांग लेंगे और ट्रिप को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। ओके और गाइज यहाँ पे कंघी बहुत ज़रूरी है तो लेके आएगा, बहुत महंगे मिलते हैं। हमारी तो छूट गई, फिर दिल्ली में हमारा भाई था उसने भी छोड़ दिया, तो सब छूट ही गया, उसके बाद कंघी नहीं मिली। और गाइज आपने नहीं देखा इन लोगों ने ना ब्रेसलेट खरीदा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आपको पता है इसकी प्राइस कितनी है, 450 रुपीज़, ओवर प्राइस है यहाँ पर सब। ये तुम भी देखो अपना, इसकी भी 450 रुपये की, मुझे तो बहुत महंगी रही थी। ये देखो मेरे सॉक्स सर उतनी लग रहे 50 रुपये की, ये कितनी सही है ना। ये देखो आज यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम धूप धूप इतनी प्यारी, और मेरी फ्लोरल ड्रेस उस पर इतनी प्यारी लग रही है। यस गाइस, तो बस अभी हम होटल में आके हर दिन की तरह चिल कर रहे हैं जैसे हर दिन करते हैं मेरे। तो मतलब गेस्ट हाउस का बेस्ट पार्ट यही रहता है, सुबह आकर बैल्कनी नहीं एक्चुअली ये टेरेस है, यहाँ आकर बैठो आराम से कॉफ़ी पियो और एकदम प्यारी वाली धूप आती है उसे एंजॉय करो। और फिर शाम में 6 बजे बाद तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है पहाड़ पे से, सामने ही बिल्कुल पहाड़ है और बहुत ठंडी हवा आती है। तो बस जितनी देर धूप है उतनी देर हम यहाँ बैठ कर मस्ती कर लेंगे, फिर शाम में जाके पैकिंग कर लेंगे क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है वापस पटना के लिए, यहाँ से दिल्ली में लगभग 3-4 घंटे का लेओवर है, और उसके बाद फिर लगभग 8 बजे तक हम पटना पहुँच जाएंगे। तो दैट्स प्रिटी मच इट, अभी हम निकलेंगे शाम में लास्ट बार लेह मार्केट, अराउंड 4-5 बजे लेह मार्केट जाएंगे, वहाँ से कुछ कुछ अगर शॉपिंग करनी हुई तो कर लेंगे सबके लिए सुवेनियर्स वगैरह। और आज कुछ अच्छा खाने का प्लान है हमारा, तो आज होटल से बाहर से कुछ खाने का लेकर आएंगे, वही खाना खाएंगे बस सो जाएंगे, कल सुबह फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे यहाँ से। ये है लेह मार्केट का आज का नज़ारा, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज यहाँ। और हम खा रहे हैं ये आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी आइसक्रीम है, और ये 50 रुपए की एक है मैंगो और वनीला फ्लेवर, कैसी है बहुत। फाइनली हम इस होटल से गेस्ट हाउस से चेकआउट कर रहे हैं, आज हमारी फ्लाइट है 1 बजे की और सारी पैकिंग हो गई है, पैक करके बैग्स हमने रिसेप्शन पर रख दिए हैं। और ये हमारा प्यारा सा गेस्ट हाउस, आज यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी 10 मिनट में आने वाली है, 11 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, 1 बजे की फ़्लाइट है तो यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता एयरपोर्ट पर, तो 2 घंटे पहले निकलो, 10 मिनट का रास्ता है बस एयरपोर्ट का, तो कोई इशू नहीं है। कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, अब हम जा रहे हैं, हमारी पेट खराब हो गई है और उसके बाद दवा भी खाया है नॉर्फ्लॉक्स। ऐसा कुछ हाल है हमारा, थोड़ा सा अजीब सा डाइजेशन का इशू तो यहाँ होता ही है, आप आओगे तो आपको फील होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और खा भी नहीं पाओगे ज़्यादा, एपेटाइट आपकी कम हो जाएगी। और हमारे साथ कल क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने पैसे भेजे थे खाने के लिए, तो क्या हुआ हमने ऑर्डर कर लिया बहुत सारा खाना, और उसके बाद हम एक भी खाना नहीं खा पाए, सारा खाना ही वेस्ट हो गया हमारा,
पनीर था, मशरूम था, चिली थी, सारा वेस्ट हो गया। और फिर लास्ट में इन्होंने वो मार्बल केक होता है ना, उस पर अपनी सिग्नेचर दारू खत्म की। यस, क्योंकि कुछ खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। अब शायद दिल्ली जाने के बाद या पटना पहुंचने के बाद शायद, और अभी हम जाएंगे ना दिल्ली, तो वहाँ पे सब्वे में खाएंगे तीनों, क्योंकि हमें सब्वे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो हम वहाँ पे सब्वे खाएंगे। और वहाँ से ना हमारी फ्लाइट पटना के लिए बहुत लेट है, तो हम लोग बस खाएंगे उसमें देर अच्छा सिंपल वाला खाना। तो ओके गाइस, सी यू एट द एयरपोर्ट। गाइज, हमें बहुत तंग किया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए फ्लाइट पे भी। यस गाइज, यहाँ पे भी हमें चैन नहीं है, ऐसे लेना वैसे लेना, उल्टा करके लेना, सीधा करके लेना। अरे भाई, पूरे लद्दाख की वीडियो ही लिया है।